आज बनाने जा रही हूँ लेडी सॉक्स, जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं। और इतना ये इजी सॉक्स है कि आप कोई भी इसको बना सकता है जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है। और देखिए, इसमें मैंने ये 22 फंदे डाले हैं और इसमें मैं पहली रो उल्टी उल्टी बुनूंगी, सिर्फ इसको उल्टा सीधा बुनना है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनने वाला है क्योंकि ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ से बुना जाएगा। लास्ट तक इसको ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 20 रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, सीधे साइड ये सीधा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 रो बना ली है मैंने। आप देखिए, एक बॉक्स ये बन के तैयार हो गया। अब बैक साइड से मैं इसमें कलर चेंज करूँगी और इस धागे को भी कट कर दूँगी और इसमें येलो वाला धागा लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने लगा लिया यहाँ से। और देखिए, इसको भी यहीं से थोड़ा सा कट कर दिया मैंने ये। और देखिए, इन दोनों धागों को मैं अंदर के साइड ले जाऊंगी क्योंकि ये दिखने नहीं चाहिए अंदर, इसमें दबाते हुए ऐसे बना दूंगी तो ये दिखेंगे नहीं। इस साइड साफ चाहिए, यहाँ पे किनारी इसकी क्लियर चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे रख के इसको बना दिया है और थोड़ा सा बचेगा उसको मैं कट कर दूंगी बाद में। ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से मैंने बुन दिया है। अब देखिए, यहाँ पे कोई धागा नहीं दिख रहा है। और इसी तरीके से मैं जो भी बॉक्स बनाऊंगी, धागा सारे इसी तरह से लपेट दूंगी। और देखिए, यहाँ से मैंने लास्ट तक इसको बना लिया है। ये देखिए, पलट लेंगे। अब यहाँ से इधर से भी इसे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ऐसे। और देखिए, इसी तरीके से 20-20 रो की इसमें मैं ये रो डाल के बॉक्स बनाऊंगी और ये तीन बॉक्स बना लूंगी मैं। ये ऑरेंज बन गया, यहाँ पे येलो बनेगा, उसके बाद फिर येलो बनेगा, ये तीन का बनेगा। और देखिए, पांच का ये मैंने बना रखा है। इस तरह का बॉक्स चाहिए आपको। ये देखिए, पांच का है, 1 2 3 4 5, सेम तरीके से बनाया मैंने। और देखिए, इसको भी मैं तीन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये दोनों पार्ट्स इसके बना के कंप्लीट कर लिए हैं। एक देखिए पांच का बनाया है और एक ये तीन का बनाया है। तो देखिए, अब मैं इसको सिलूंगी। तो देखिए, इसको मैं पांच वाले को ऐसे रखूंगी यहाँ पे और इसको ऐसे रखूंगी, जो बीच वाला है इससे मैं इस तरह से मिलाऊंगी। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक स्क्वायर छूट जाएगा, एक इधर और एक इधर, पाँच वाले में से। इन तीन को मैं मिलाते हुए सिलूंगी। ये देखिए, सिलने के लिए मैं इस बॉक्स से लेके और इस तीसरे बॉक्स तक इसको यहाँ से मिलाते हुए पहले सिलूंगी। ये देखिए, उल्टे साइड दोनों रखे हैं मैंने। यहाँ से देखिए, और ये देखिए, बॉक्स जो है उसकी सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ से देखिए, इस तरह से येलो की यहाँ तक और उसकी वहाँ तक ऐसे सिलेंगे इसको। इसको देखिए, यहाँ तक सिल लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिल लिया है पूरा तीन ये बॉक्स। आप देखिए, इसको मैं इस तरीके से, देखिए इसको मैं फोल्ड करूँगी इस कोने से लेके इस कोने तक। देखिए, इसी को मैं, जो बड़ा वाला पार्ट्स है उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलूँगी। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से इसको कॉर्नर तक सिलते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक ये सिल लिया है। आप देखिए, ये मैंने, देखिए यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इसको लाई
और इसको अब देखिए, इसको यहाँ से ऐसे, इसको इतना ऐसे सिल देंगे, उसी को पकड़ के, ये देखिए, यहाँ तक देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ से सिला, यहाँ से लाई, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक, आप देखिए, ये देखिए इतना सिलने के बाद अब इसको यहीं से इस तरह से पलट देंगे और देखिए यहाँ तक इसको सिलते हुए लाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे यहीं से इस कॉर्नर से, देखिए कॉर्नर से इसको मिलाना है इनमें जो भी डिज़ाइन है इसकी, तभी इस क्लियर आ पाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए लाइन से यहाँ तक इसको सिल के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए इस लाइन तक ये आ गया। आप देखिए ये वाला जो पार्ट्स है, ये पीछे वाला, इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे ऐसे, देखिए इस जगह इस ऐसे, और देखिए इसको मैं यहाँ से लेके इसको मिलाते हुए और देखिए ऐसे घुमाते हुए पूरा यहाँ तक सिल दूंगी। ये देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, जो बैक वाला है इसी को मैं ऐसे करके घुमा दे रही हूँ और देखिए यहाँ से ये पैर जाने के लिए खुला रहेगा पार्ट्स। आप देखिए इस कॉर्नर से इसको मैं रखूँगी और इस कॉर्नर तक सिलूँगी, देखिए ये इस तरीके से यहाँ से पकड़ लेती हूँ और देखिए यहाँ से, ये देखिए यहीं से इसको सिलना स्टार्ट कर दे रही हूँ और यहाँ पे ऐसे, अब देखिए इसको मिलाते हुए लास्ट तक इसको, देखिए यहाँ से इस यहाँ तक सिलेंगे पहले, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से लेके और इस कौन यहाँ तक इसको मिलाते हुए सिल दिया है। ये देखिए इनको ऐसे मिलाते हुए सिलना है। अब देखिए लास्ट में इस तरह से इसको यहाँ तक, ये ऐसे इस, देखिए ये लास्ट में यहाँ तक आ जाएगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये देखिए बिल्कुल क्लियर आया है वहीं तक जितना। देखिए लास्ट तक इसको सिल दिया है, अब देखिए इसको सीधा करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये पैर डालने के लिए ये इसका बन गया, ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी सुंदर बन के कम्प्लीट हुई है। और देखिए इसको आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे ये स्ट्रेट भी रख सकते हैं, देखिए इस तरह से ये पूरा, ये बिल्कुल सूज का शेप आ जाता है इसमें, देखिए लॉन्ग सूज होते हैं, उल्टे साइड भी इस साइड, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं या फिर क्रोशिया से फ्लावर बना के लगा लीजिए या फिर पॉम पॉम, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पे लगा के उसको कंप्लीट करें।